दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय लाइफलाइन हॉस्पिटल देहरा। कोरोना वायरस का असर पौंग झील में भी देखने को मिल रहा है। ना तो अब पौंग झील में प्रवासी पक्षी दिख रहे हैं और ना ही झील से मछली आ रही है। लॉकडाउन के कारण कोई भी मछुआरा झील में मछली पकड़ने नहीं आता। पौंग डैम में मछुआरे मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन अब झील में मछली पकड़ने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अब इन मछुआरों के पास पालन पोषण का कोई साधन नहीं बचा है। अब आवाज उठ रही है कि सरकार से इन मछुआरों के परिवारों को भी कोई ना कोई सहायता मिलनी चाहिए। सभी पंचायतों में सर्वे करवाया जाए और जो गरीब मछुआरे हैं उन्हें भी सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। बहुत से मछुआरों ने बताया कि उन्हें तो अभी तक राहत भत्ता भी नहीं मिला है, या फिर जितने भी पंजीकृत मछुआरों की सोसाइटी है उन्हें वहाँ से शीघ्र राहत भत्ता मिलना चाहिए। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी में जिला कांगड़ा की देहरा तहसील के हनुमान चौक में स्थापित लाइफलाइन अस्पताल मरीजों को ऑनलाइन और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रहा है। लाइफलाइन हॉस्पिटल देहरा, इस वक्त हम 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो हम उसमें डील कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, अनबेरेबल कंडीशन ना हो, तब तक आप अपने घरों में रहें। सिंपल बीमारियों के लिए अपने आसपास के जो भी चिकित्सक हैं उनके पास सलाह मशवरा करें। एमरजेंसी में हमारे नंबर 7876071919 है। आप किसी भी टाइम आपातकाल में इस नंबर पर कॉल करके हमें सूचित कर सकते हैं मरीज के बारे में, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम उनको जो भी सलाह होगी वो उस वक्त दे देंगे, या फिर अगर एडमिशन की जरूरत होगी तो एडमिट भी कर देंगे। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।